कितना दर्द है हम लोगों का पैरों में। यहाँ पर मैं देखो एक सामने भैया जा रहे हैं, इनकी भी चाल चेंज हो चुकी है, जो भी परिक्रमा लगा कर आए सबकी चाल चेंज करवा के रखे। और आपने मेरा खाटू श्याम का फर्स्ट ब्लॉग देख चुके हैं पार्ट वन, तो गाइज अब हम देखेंगे पार्ट टू का ब्लॉग, तो चलो आगे बने रहिए। देखो गाइस कितनी भीड़ है, लाखों हजारों की तादाद में सारे भक्त जन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आज बाबा श्याम के दरबार में। तो आप लोग देख सकते हो जय मेरा है ना मेरा बाबा तेरा नाम रहेगा, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, जय यहाँ पर अब बाबा के दरबार में जितनी पास है हम बाबा के दरबार में उतनी ही भीड़ ज्यादा है। और आप लोग देख सकते हो भीड़ कितनी ज्यादा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इतनी भीड़ भाड़ के बाद हम लोग आ चुके हैं लड़ लुढ़ा के, और भीड़ काफी ज्यादा हो रखी है यहाँ पर। आपकी फ्रेंड लड़ती रह रही है, हम क्या करें उस चीज पे। गाइस इनकी फ्रेंड थी इतना लड़ रही थी बे मतलब में अननेसेसरी टॉक था, जब भीड़ है तो भीड़ ही रहेगी यहाँ पर। गाइस आप लोग देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है। भाई लड़ गई बेमतलब में, गाइस इतना बड़ा फैन है कि एक साथ 100-200 लोगों को हवा दे सकता है ये। गाइस इतना बड़ा फैन है आप लोग देख सकते हो, और भीड़ देखिए गाइस। देखो गाइस बाबा का दरबार कैसे सजाया गया है, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार, बाबा तेरी जय जयकार। बाबा के दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए,
भीड़ भी नहीं थी, सब्जेक्ट बहुत अच्छा चल गया। अब चलते हैं, पता नहीं अमन कहाँ चला गया है। काफ़ी अच्छे से दर्शन हो गए, अब चलो आगे बालाजी चलते हैं, फिर आपको बालाजी। हमारे कुछ मेंबर्स खो गए हैं, जिम्मेदारी है हम ही यहाँ ले जा रहे हैं, तो हम अपने मेंबर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं फोन वोन कर कर। अग्रवाल स्वीट्स बुआ की बात सुने, इतनी फनी बात करती हैं ये। इनके ना पैर में छाले हो गए हैं, तो जो भी आता है मार कर चले जाता है, ये उसी को चिल्लाने लग जाती है। कोई हल्का सा टच भी करते तो तुरंत ही पकड़ लेते, एक ही मार दिया मेरे को। अभी आप देखना, अब देखना फिर से शायद चिल्ला सकती है ये। तो गाइस अब हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं अपना। हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट भी करा है, तो देखो गाइस वहाँ कचौड़ी तली जा रही है, तो यहाँ पर हम अपने कचौड़ी के ऑर्डर को दे दिया है। तो गाइस तो हम अंदर ही, अंदर आ गई वो, अंदर आ गई वो, करके ले आया अंदर जो बैठा वो पांच कपड़े चाप आप दिया वो। हाँ अब पांच कपड़े से दिया। हाँ हाँ ले लो ले लो। अंदर किसका आपका? हाँ हाँ आप तो बेटा बेटा हो आप। भाई हमारी एक्स्ट्रा कचौड़ी आ गई आ जा। ले रोहित एक में लेकर आ जाऊँ ना, वहीं बाहर खा लेते ना, या जगह कहीं आ जाओ। हम बाहर खा लेते हैं अपना, उसके बाद खाने के बाद आपको मिलते हैं। एक दे दो, एक रह रही है ना। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं अपनी बस में, हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और अब हम द्वार से ही जा रहे हैं अपने वापस। चलो गाइस चलते हैं बस में बैठ के, फिर आपसे मिलते हैं। बहुत थकान हो गई, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग। तो ये द्वार है यहाँ का, गाइज हमें ना अपनी बस तो नहीं मिल रही है, तो हम पूरा ना घूम कर आ रहे थे ऐसे पूरा, तो ऐसे नहीं कि हम सीधे सीधे आ जाते, तो जो हमारे साथ लेडीज़ है ना मीन्स अमन की बुआ है, उन्हें भी हम घुमा घुमा के ला रहे हैं, उनके पैर जलवा दे रहे हैं। मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आ जाएं, क्योंकि डायरेक्ट आने का साधन नहीं है, और अब ये पार कर कर जाना पड़ेगा, वही तो बड़ा टफ है। कैसे सो रहे हैं सब, ये नींद से चूर चूर हुए पड़े हैं ये सब, एक नहीं सब, जितने भी हैं ये सब, सब सो रहे हैं, सब बेहोशी छाई हुई है रात की, इनको लोग पी के सो रहे हैं सब। देखो भाई ज़्यादा ही पीट रखी इन लोगों ने रात की, ये इसको देखो ये क्या कर रहा है, कौन चला रहा है। हम वीडियो बना रहे हैं बट सब नीचे भी सो रहे हैं। तो गाइस अब हम लोग सालासर बालाजी आ चुके हैं, तो गाइस हम तो अंदर जाएंगे नहीं, बालाजी की यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। तो जो हमारे पैर जवाब दे चुके हैं, इतना दर्द इतना पेन है मैं आपको बता नहीं सकता।
उसको देखो अब बस की क्या हालत कर दी, इतनी गंदी कर दी हालत। गाइस देखो सब बाहर खड़े हैं, अब वाकई इतना पैर दर्द हो रहा है कि थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं है कि मतलब मैं चल लूं, इतना पेन है। थोड़ा सा बाहर चलना यार रोहित, कैसे आगे बढ़ेंगे, आंटियों के पीछे खड़ा रहता जब देखो। जब हम यहाँ पर सनफ्लावर होटल एंड रेस्टोरेंट पर आए, किसी और पर आए तो आज क्या कल की बात है, मैंने आपको दिखाया था जाते समय तब आते समय हम इस वाले रेस्टोरेंट पर आए, तो चलो चलते हैं और खाना टेस्ट करके आप लोगों को बताते हैं। गाइस हमें पता नहीं था बेचारे का गलती से चश्मा टूट गया। अब गाइस हमें नहीं पता था कि इसका चश्मा कैसे टूटा है, बट इसने रखा है और इतना सोने में बिजी था ये, इसका चश्मा ऑटोमेटिक क्रैक तो था और क्रैक हो गया। अब भाई मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब इसको 5 रुपए की ना फेविक्विक नहीं मिलती और गाइस देखो चला नहीं जा रहा है किसी से भी, भैया की भी चाल चेंज हो गई है और ऑलरेडी हम लोगों की भी चाल चेंज हो चुकी है। वाकई इतना दर्द है हम लोगों का पैरों में और यहाँ पर मैं देखो एक सामने भैया जा रहे हैं, इनकी भी चाल चेंज हो चुकी है, जो भी परिक्रमा लगा कर आए सबकी चाल चेंज करवा के आगे। मतलब ना अगर कोई बोलेगा ना कि असली चाल कैसे चलते हैं तो मैं दिखाना चाहता हूँ ऐसे चलते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हो झुक झुक के चलना पड़ता है, इसको वॉशरूम नहीं दिख रहा था ये रहा वॉशरूम। देखो कितनी जल्दी जल्दी चलने की कोशिश है। अब इन दोनों का डिस्कशन चल रहा है कि और कुछ क्या मंगवाना है, और बाकी यहाँ पर इनका ऑर्डर आ चुका है। हमारे पीछे बुआ जी बैठी हैं और बुआ जी खा रही हैं, बुआ जी का ऑर्डर पहले आ गया है। बुआ जी ने बोला था ना मेरे को वायरल होना है इसलिए खाते वक्त बारे में तू आंख से देख, पहले तेरे को दिख नहीं रहा है भाई। हमारा जो आज का ऑर्डर था तो ये हमारा है दाल मखनी और ये है मटर पनीर मसाला। हाँ पनीर बटर मसाला। हमारा सैलड आ चुका है और रोटियाँ मंगवाई हैं और इनकी कॉन्वर्सेशन वापस चलती है। तो भाई सब इसको हम टेस्ट करते हैं फिर आपको यहाँ का फ्लेवर कैसा है फूड का, तो जल्दी से खा लेते हैं फिर मिलते हैं खाने के बाद। तो भाई साहब फरमाइश पर अब हम लोग लेकर आए बटर नान, तो बटर नान ट्राई कर लेते हैं। तो इसका दाल का फ्लेवर था थोड़ा सा ना, इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादा था, थोड़ा सा अच्छा लगा। बाकी जो शाही बटर बटर मसाला पनीर बटर मसाला अच्छा था, बाकी ओवरऑल टेस्ट ठीक था, बस दाल में थोड़ा सा कमी तभी ठीक था। वाइज ये हारी हुई सर थी हमारी लूडो की, जिसके विनर थे रोहित, सेकंड ये सेकंड विनर था, ये लूजर था और फर्स्ट विनर मैं था। तो ये हम लोगों को क्या कितने वाली, 2 लीटर वाली की 5 लीटर वाली, 5 लीटर वाली कौन सी आती है, पूरी दुकान पिएंगे हम। और वो भी बैंक में पैसे हैं तेरे, दिखाई बैंक अकाउंट आज दू, और तू बैंक अकाउंट दिखा रोहित, आज तू बैंक खोल दे अपना। भाई हम अपने कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं और भाई जितनी अच्छी हवा चलती है और आप लोग देख सकते हो ऑन रोड हाईवे पर ये रेस्टोरेंट है वेलकम सनफ्लावर, और ये एड्रेस प्योर वेज है एक तो। और गाइस तू बता कौन सी, रोहित तू बता, एक ले फैंटा, जो फैंटा कह रहा था फैंटा पी ले, फैंटा लिमका ले ले, लिमका नहीं लेंगे, लिमका अच्छी नहीं लगती।
तो गाइस हमारी चुनती हुई जो गिफ्ट है वो हमारे हाथ में है, हैम्पर, और इस हैम्पर को जीता है मैंने और रोहित ने, और इन्होंने हमारे को पार्टी दी है। तो रोहित, एक चिप्स तेरा, एक चिप्स मेरा, कोल्ड ड्रिंक मेरी। तो चलो फिर पियेंगे अंदर बैठ के यार। अंदर नहीं पियेंगे, बाहर बैठे के अच्छा लग रहा है, वेदर अच्छा हो रहा है बाहर का। गाइस इतना अच्छा वेदर हो रहा है, इट्स प्लीजेंट वेदर बिल्कुल। उसे बोलते हैं ना कि मतलब ये तो ठंडी हवा, और वैसे भी इधर राजस्थान एरिया में ठंडा ही रहता है वेदर यार। और गाइस अभी भी लोग अपना खाना पीना खा रहे हैं। गाइज आज इसने परिक्रमा करी है, 20-23 किलोमीटर चलाई है। मजा तो आया भैया, मजा के साथ सजा भी मिली है बहुत। मैंने बोला ना मेरे को क्या पसंद है। और गाइज यहाँ पर झूला भी है बच्चों के लिए, छोटे मोटे झूले भी लगा रखे, तो यहाँ पर बच्चे झूले भी झूल सकते हैं। सवर नहीं हुआ तो हमने स्प्राइट और ले लिया अपने लिए, क्योंकि ये हार चुका था, तो एक चीज हमने बोला चलो और ले लेते। चलो तो गाइज वहाँ पर हम आई लव सनफ्लावर पर एक फोटो खिंचवा कर आते हैं अपनी। आई होप गाइज आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। पार्ट वन और पार्ट टू, मैंने पार्ट टू में मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट वन का डाल दिया है। तो गाइज ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, और जय श्री श्याम का कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।